फ्रेंड्स, आज हम गुड़ पारे बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। मैं मैदे का बिल्कुल यूज नहीं कर रही। हेल्दी खाना बनाएंगे हम और देसी घी का मोहन लगाएंगे। जब भी आप कोई मीठी चीज बनाएं तो उसमें बिल्कुल हल्का सा टच नमक का जरूर दें। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया जिससे मैं आटा लगाऊंगी, बस इससे। और गुड़ के साथ बनाएंगे हम, चीनी का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। हल्का सा बिल्कुल नमक का टच दें। जो शक्कर से बनते हैं चीनी से, वो शक्कर पारे कहलाते हैं। जो गुड़ से बनते हैं वो गुड़ पारे कहलाते हैं। तो इसलिए आज हम गुड़ पारे बना रहे हैं। 4 टेबलस्पून के लगभग इसमें घी डाल दें, जिससे कि हमारा मोइन अच्छे से लग जाए। अब हम इस आटे को बहुत अच्छे से रब करेंगे, ब्रेड क्रम्स की तरह। हमारा आटे में मोइन बहुत अच्छे से लग गया। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह रब किया। अब आप देख सकते हैं, जब तक इसकी मुट्ठी ना बन जाए तब तक इसमें घी का उपयोग होगा। मैंने इसमें टोटल ये वाले 4 सर्विंग स्पून यूज किए। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आटा है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसका टाइट डो लगाऊंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा रही हूँ। आटा लग गया। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर हम इसके गुड़ पारे बनाएंगे। आटे ने रेस्ट कर लिया। अब इसको पहले थोड़ा सा और चिकना कर लें, जिससे कि हमारे शक्कर पारे बहुत ही ज्यादा खस्ता और मुलायम बनेंगे। आटे को चिकना करने के लिए आप थोड़े थोड़े भाग्स में ऐसे कर लें, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। अब इसकी मोटी मोटी लोइयां बना लें। अब इनको मोटी रोटी दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लें, जैसे आप मोटे पतले जैसे भी आपको पसंद है वैसे बना लें। आटा देखें कितना परफेक्ट है कि ये अपने आप ही सेपरेट हो रहे हैं। इनको सेपरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। कभी भी ज्यादा तेज आंच पर मत फ्राई करना। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक सेकें। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी असली पहचान क्या है, कि हमारे कैसे फ्राई हुए हैं ये। आपको इसकी आवाज आई है तो अब इसका मतलब ये हमारे बिल्कुल क्रिस्पी फ्रा रहे हैं। सारे शक्कर पारे फ्राई कर रही हूँ मैं, अभी थोड़े से हुए हैं। जब सारे फ्राई हो जाएंगे तब फिर हम इसके ऊपर गुड़ की चाशनी चढ़ाएंगे। सारे ये पारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने ये गुड़ भी ले लिया है, 1/2 किलो गुड़ है। तो अब मैं इसकी सबसे पहले चाशनी बनाऊंगी, फिर उसमें इसको डिप करेंगे। आप इसको जब भी डीप फ्राई करें तो बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ करें, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी ऐसे क्रिस्पी नहीं रहे तो आपको खाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इनका क्रिस्पी होना बहुत जरूरी है। 1/2 गिलास पानी ले लें। अब इसके अंदर हम इसको गुड़ को डाल देंगे। 1/2 किलो मैंने गेहूं का आटा यूज किया है, तो 1/2 किलो ही मैं गुड़ यूज कर रही हूँ, बराबर क्वांटिटी का। गुड़ पारे आटे और गुड़ से अगर बनाए जाएं तो ये बहुत हेल्दी बन जाते हैं, और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए आप भी इसको जरूर ट्राई करें। गुड़ की चाशनी को पकाते समय लगातार चलाते हुए बनाएं। हमारी
हमारी कुड़ी की चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी ये निशानी है कि आपकी पूरी कढ़ाई में ऐसे बबल्स आने लग जाएंगे और झाग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब हम इसको पारे में डिप कर देंगे। मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से गुड़ को मिक्स कर दिए। अब आप इसको आधे घंटे के लिए ऐसे रेस्ट दें और उसके बाद आप देखना ये कितने खिले खिले हो जाएंगे। हमारे शानदार गुड़ पारे बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।